हेलो। हाँ द्विवेदी जी, और कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं ठीक हूँ, बस घर पर ही पड़ा रहता हूँ। अरे भाई, सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद और क्या करना है। हाँ जी, हैं? नहीं द्विवेदी जी, 30 बरस बहुत नौकरी कर ली, अब ना नौकरी करने की इच्छा है और ना ही जरूरत। हाँ जी, आपको तो पता ही है द्विवेदी जी, अरे 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो चुकी, अपने घर बार में मस्त हैं वो। हाँ, अरे भाई 2 बेटे भी तो हैं। हाँ, वो भी नौकरी पे लगे हुए हैं, उनकी भी शादी वादी सब हो चुकी। बस अब तो आप जानते ही हैं, ना कोई जिम्मेदारी रही और ना ही कोई जरूरत, सब जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुका मैं। हाँ जी, हाँ, अरे वो तो है, रही अपने खर्चे की बात, सो थोड़ा बहुत पेंशन मिल जाती है, हो जाता है गुजारा, पर बस अब मैं नौकरी करना नहीं चाहता। हाँ जी, जी हाँ ठीक, हाँ सब ठीक है। अच्छा, नमस्कार। अरे बेटी गुड़िया, जरा चाय तो बना ले और मुझे अखबार दे जा बेटे। क्या नाम है तुम्हारा? क्या भाई, क्या नाम है आपका? अच्छा, तुम्हारा तुम्हारा क्या, तुम लोग दिन भर यूं ही खेलते रहते हो? हाँ। अच्छा, ये लो, तुम भी लो। कहानी सुनोगे? हाँ। अच्छा, किसकी कहानी सुनोगे? परी। परी की? अच्छा तो सुनो, एक परी थी, वो बहुत सुंदर थी। एक दिन वो एक बाग में आई, बाग समझते हो? हाँ, पार्क। वहां खूब सारे फूल खिले थे, ढेर सारे फूल। परी उन फूलों पर आकर नाचने लगी। तभी वहां एक लड़का आया, इस जैसा। लड़के ने एक फूल तोड़कर फेंक दिया। परी ने कहा, फूल तोड़ना बुरी बात है, मेरा नाम फूल परी है, मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने, ढेर सारी मिठाइयां, चॉकलेट, टॉफी दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि तुम अपनी गंदी आदतें छोड़ दो। तो जानते हो लड़के ने क्या कहा? लड़के ने कहा कि आज के बाद मैं फूल नहीं तोड़ूंगा। परी ने कहा, तुम्हें
रोज नहाना चाहिए, साफ रहना चाहिए, बालों में तेल लगाना चाहिए, कंघी करनी चाहिए, और तुम्हारे नाखून कितने बड़े हैं इन्हें भी काटना चाहिए। लड़के ने परी की सब बातें मान ली। अगले दिन लड़का फिर पार्क में आया तो परी ने जब लड़के को देखा तो परी बहुत खुश हुई। परी ने उसे ढेर सारी मिठाइयाँ, खूब सारे खिलौने, चॉकलेट और टॉफी दी। कैसी लगी कहानी? अच्छा बाबूजी, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं। बाबूजी आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते। मैं कोई बदमाश या चोर नहीं हूँ। मेरा नाम दीनानाथ है। मैं सामने ये कॉलोनी है ना, इसके 52 नंबर के मकान में रहता हूँ। बाबूजी, आप इस झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के साथ ऐसे बैठकर बातें करते हैं, हमें अजीब सा लगता है। मैं रोज यहाँ घूमने के लिए आता हूँ। रोज इन बच्चों को यहाँ खेलते हुए देखता था, सोचा क्यों ना इनसे कुछ जान पहचान कर लूं, इन्हें कुछ अच्छी बातें सिखाऊं। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है ना? एतराज किस बात का? आप तो इन बच्चों को अच्छी बातें सिखा रहे हैं, और ये बातें हम नहीं सिखा पाते, ये तो बल्कि खुशी की बात है बाबूजी। अच्छा बच्चों, और कल हैं? अब कल मिलेंगे। अच्छा बाबूजी, राम राम। राम राम, खुश रहो बेटे। पता नहीं क्या करने के लिए आता है रोजाना। कई दिनों से देख रहा हूँ मैं। मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आता है। सुबह आ जाता है, बच्चों को टॉफियाँ देता है, बिस्कुट देता है। तो क्या करें, उसे कोई मना भी तो नहीं कर सकता है कि यहाँ पर। अरे भैरव भाई, एक मिनट सुनना। अरे ऐसे मत कहो, वो भले आदमी है। क्या रे कन्हैया, बोल दो। दादा, कई दिन से मैं देख रहा हूँ, रोज सुबह कोई बुढ़ा सा आदमी यहाँ आ जाता है, झुग्गी के बच्चों को अपने पास बुला लेता है, उनको बिस्कुट देता है, टॉफियाँ देता है, कहानी सुनाता है। ये ससुरा चक्कर क्या है? अपनी समझ में तो नहीं आता, आगे तो कोई ससुरा नहीं आया यहाँ पे। ये कई बच्चों को बला फुसवा कर बेचने बेचने का चक्कर तो नहीं है? कितने बजे आता है वो? ये कोई सवेरे 6-7 बजे। तो आज ही बच्चों को कह गया नखून कटवा कर आना, बाल बना कर आना, और ये कोई फिल्म में काम करेंगे। तो चिंता ना कर कन्हैया, आने दे कल। आ दादा, बच्चों को भगाना शुरू। किसे देख रहे हैं बाबू? बच्चों को? हाँ। वो नहीं आएंगे आज। पहले मेरी बात का जवाब दे। हाँ पूछो। तेरा मतलब क्या? तुझे कोई और काम नहीं है क्या? काम तो और भी बहुत से हैं करने के लिए, लेकिन इन बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, इससे अच्छा काम और कोई दूसरा नहीं है। अरे वैसे भी कोई शरीफ आदमी इन बच्चों के पास आकर बैठता तो है नहीं। मैंने सोचा कि मैं ये काम करूंगा। अच्छा, बहुत दिलदार हो क्या? अरे तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब मेरा क्या मतलब होता? अरे मैं तो इन बच्चों की भलाई के लिए यहाँ आ जाता हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत है आने की? क्योंकि मैं जानता हूं इन बच्चों के माँ बाप के पास ना तो पैसा है और ना ही वक्त। एक बात बताऊं, तुम बुढ़े आदमी हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। कोई और होता तो पहले हाथ पर तोड़ता फिर से समझाता।
सुनो, ये जिनके बच्चे हैं ना, ये उनकी जिम्मेदारी। बच्चों और बने, डाकू बने, लुटेरे बने, साधु बने, तुम्हें क्या? तुम जाओ, अपने काम से मतलब रखो। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। और सुनो, दोबारा इधर मुड़के भी मत देखना। ठीक है, नहीं देखूंगा। बाबूजी, बाबूजी, रुकिए बाबूजी। अरे रुकिए बाबूजी, रुकिए रुकिए, आप बुरा मत मानिए बाबूजी। अरे नहीं नहीं, यहाँ तो भैरव भैया, क्या आपको पता नहीं है कि बाबूजी सरकारी अफसर हैं, यहाँ पास ही की कॉलोनी में रहते हैं। अरे अगर हमारे गांव में आते हैं तो यहाँ के बच्चों को अच्छी बातें ही सिखाते हैं, कोई गलत काम नहीं करते। तो फिर आपने कैसे शक कर लिया कि बाबूजी इस गांव के बच्चों को उड़ा कर ले जाने वाले हैं? इनको वापस बुलाइए, बेचारे बूढ़े भले आदमी हैं, उनसे माफी मांगे, नहीं तो हम मांग लेते हैं। हाँ बाबूजी, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। यहाँ कैसे? बस ऐसे ही, जरा इस कॉलोनी के बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए आता था, तो ये सज्जन है, ये कह रहे हैं कि मैं इस कॉलोनी में ना हूँ। अरे भैरो, क्या बकवास कर रहा था तू बाबूजी से? दारू पी के ये भी देखना भूल गया कि ये कौन है और क्या है, जानता है इन्हें? तो वो इंस्पेक्टर साहब, मेरे से बहुत भारी गलती हो गई। बाबूजी, वो क्या है कि वो मैं ना कन्हैया की बातों में आ गया था, मुझे माफ कर दीजिएगा। कन्हैया की तो मुझे भी तलाश है, उसी को ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हूँ मैं, उसकी रिपोर्ट है मेरे पास, समझा? और तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो जाओ यहाँ से। और सुन, बाबूजी के काम में रुकावट मत पैदा करना, वरना। ठीक है बस छोड़ो। बाबूजी, अब ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। बस बस। बच्चों बाहर आओ ना। ठहरिए बाबूजी, बच्चों को मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, आओ बच्चों, आओ। आज बाबूजी तुम सभी को पढ़ाएंगे। तुम पढ़ोगे ना? हम तुम सबको पढ़ाएंगे। शाबाश, आओ हमारे साथ, आओ, चलो आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, चलो शाबाश, आओ, संभल के देख के जरा, आओ आओ, धीरे से यहाँ से लाइन लगाएंगे, यहाँ यहाँ से, बस चलो तुम इधर लाइन लगाओ, बस शाबाश शाबाश। देखो बेटे, आज से हम एक छोटी सी प्रार्थना भी किया करेंगे, ठीक है? जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही उस पंक्ति को तुम मेरे बाद दोहराओगे। सबसे पहले हाथ जोड़ेंगे, शाबाश। विनती सुन लो हे भगवान, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, बुरे काम से हमें बचाना, बुरे काम से हमें बचाना, खूब पढ़ाना, खूब लिखाना, खूब पढ़ाना, खूब लिखाना, तुमको शीश झुकाते हैं हम, तुमको शीश झुकाते हैं हम, विद्या पढ़ने आते हैं हम, शाबाश। बैठो बच्चों, बैठो, और लीजिए, ये लो, ये तुम लो। दीनानाथ जी, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी और कोई सेवा नहीं हो सकती जी, कि लोगों को साक्षर बनाया जाए। आइए बैठिए, आप आइए, आप भी बैठिए। हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं,
अगर वो ये संकल्प लें कि एक व्यक्ति एक को साक्षर बनाएगा तो ये समस्या एकदम हल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लीजिए पानी लीजिए। धन्यवाद। लेकिन जगन्नाथ जी, आवश्यकता है निष्ठा और लगन की। अब पिछले 2 महीनों के दौरान इन 15 बच्चों में जो मैं बदलाव देख रहा हूं, कमाल का है सर। अब यूं तो आपको साधारण सा लगेगा, लेकिन मैं एक बड़ा परिवर्तन आपको बताता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी आप बच्चों को पढ़ाए तो यह हो सकता है कि परिवर्तन ना आए। देखिए, पहले जब ये बच्चे आपस में खेलते थे तो साला, सुअर, हरामी जैसी गालियों का प्रयोग करना इनके लिए आम बात थी। तो आपने इन्हें समझाया नहीं? मैंने इन्हें समझाया कि देखो, गाली देना अच्छी बात नहीं है। अरे, गाली तो बुरे बच्चे देते हैं, जबकि तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छे बच्चे गालियां नहीं देते। आज के बाद अगर किसी ने गाली दी तो मैं उसे अपने यहां नहीं आने दूंगा। हां, आपने बिल्कुल ठीक किया। अब गाली तो नहीं देते ना? गाली? अरे, अब तो हालत यह है कि अगर कोई बच्चा किसी दूसरे को गाली देता है तो दूसरा बच्चा उसे फौरन टोक देता है। तूने मुझे गाली दी, मैं तेरी शिकायत बाबूजी से कर दूंगा। तो जानते हैं पहला बच्चा क्या कहता है? पहला बच्चा कान पकड़ कर कहता है कि नहीं, तुम बाबूजी से शिकायत मत करना, मैं गाली नहीं दूंगा, गलती हो गई। भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। इसे कहते हैं सच्चा परिवर्तन, जो साक्षरता के अप्रत्यक्ष प्रभाव को दर्शाता है। और दीना जी, आप तो जानते हैं कि मेरी एक ही बेटी है, वो भी अपने ससुराल में, और मैं अकेला। मैं चाहता हूं कि मैं भी बच्चों की कुछ सेवा करूं। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर आपकी इच्छा ही है तो आप जरूर कीजिए। लेकिन बाई द वे, आप करना क्या चाहते हैं? बस बच्चों के लिए काफी किताबें, कपड़े, जूते, मैं सब बच्चों को देना चाहता हूं। अरे, ये तो बड़े खुशी की बात है। मैं हृदय से आपके सहयोग का स्वागत करता हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। अच्छा, सारा सामान लेकर मैं कल बच्चों को पहुंचा दूंगा। जी, इसी बहाने बच्चों की जो सेवा होगी उसमें मुझे भी कुछ पुण्य मिल जाएगा। नमस्कार। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हाँ बाबूजी, नमस्ते। नमस्ते बेटे, नमस्ते। बाबूजी, आप अगर बुरा ना माने तो आपसे कुछ बात करनी थी। अरे बेटे, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? हाँ बेटे, बोलो। वो बाबूजी, आप गांव के बच्चों को तो पढ़ाते हैं, क्या हम औरतें भी पढ़ सकती हैं? अरे, क्यों नहीं पढ़ सकती बेटे, ये तो बहुत खुशी की बात है। बाबूजी, झुग्गी झोपड़े की हम सारी औरतें पढ़ना चाहती हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें भी पढ़ाएं। नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। देखो बेटे, मैं उन लोगों का बड़ा सम्मान करता हूँ जो साक्षर बनना चाहते हैं। आप लोग फिक्र मत करो, मैं इस बारे में कुछ ना कुछ करता हूँ, ठीक है? बाबूजी, हम आपके सपने को पूरा करने की जरूर कोशिश करेंगे बाबूजी। मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा बाबूजी, नमस्ते। लो भाई, चाय पियो। भाई दीनानाथ, रिटायरमेंट के बाद इतना हल्कापन महसूस कर रहा हूं कि जैसे कोई पंछी आजाद हो गया हो। ये तो है, पर अब किधर उड़ान भर रहे हो? अरे भाई साहब, अब इस उम्र में कहां उड़ान भरेंगे भला। पूरे दिन अखबार पढ़ते रहते हैं, नहीं तो मेरा दिमाग चाटते रहते हैं। भाई, वो नौकरी के दिन बहुत अच्छे थे, कम से कम मैं तो पूरे दिन आजाद रहती थी। भाई, मुझे नौकरी तो करनी नहीं है। भाई दीनानाथ, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, और अब कोई जिम्मेदारी भी नहीं रही। हाँ, अगर वो तुम्हारी तरह वो बच्चों को पढ़ाने का कोई काम मिल जाए तो मैं कर लूंगा। वैसे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है भाई।
बच्चे बड़े खुश हैं और बड़ा मन लगाकर पढ़ रहे हैं। अब तो महीने में दो बार एक डॉक्टर भी आने लगा है उनके हेल्थ चेकअप के लिए। माता प्रसाद, कुछ संयोग बन रहा है, क्यों ना हम रिटायर हुए दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल कायम करें ताकि वो लोग भी सेवा के कार्य अपना लें। भाई, अगर वो लोग पढ़ने की इच्छुक हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वैसे भी साक्षर बनाना तो विद्या का दान करने जैसा है। मुझे मंजूर है। हाँ, अगर इस काम के लिए अगर 1500 खर्च भी हो जाते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं, क्यों शारदा? हाँ जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई। अनपढ़ बच्चों को साक्षर बनाने से बड़ी सेवा और क्या हो सकती है भला? हाँ, बस तो फिर मैं तुम्हारी उन महिलाओं से बात करा देता हूँ, तुम अपना काम शुरू कर दो। नमस्कार दीनानाथ जी। बधाई हो बहुत बहुत माता प्रसाद जी, तुम्हारा काम शुरू हो गया। भाई, ये तो तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। ये कौन है, भाभी है क्या? हाँ भाई, पहले पहले तो औरतों को संकोच हो रहा था, मैंने कहा घर में क्या करोगी, वहां जाकर पढ़ाओ। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, बहुत अच्छा हो गया। ये तो नमस्ते। नमस्ते बाबू जी, ये आपने बहुत अच्छा किया जो बड़ी उम्र के लोगों के लिए स्कूल खोल दिया। अरे भाई, ये अपने माता प्रसाद जी हैं, बड़े ऊंचे ओहदे से रिटायर हुए हैं। यहाँ के लोगों ने हमसे कहा था कि बाबूजी हमें भी पढ़ाइए, तो ये काम इन्होंने संभाल लिया और अब तो इनकी पत्नी भी साथ आ गई है। सच कहूँ बाबूजी, यदि आप जैसे 50-100 लोग मिलकर काम करें और पूरी लगन से काम करें तो लोगों की जिंदगी बदल सकती है। हाँ भैरव, ठीक कहा तुमने, क्योंकि शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं होती बल्कि उससे तो सारी जिंदगी पर असर पड़ता है। बाबूजी, एक बात कहो। बोलो। ये चाकूबाजी, गोली बंदूक और मारपीट से मेरा भी जी ऊब गया है। कभी कभी सोचता हूं कि मेरे माँ बाप ने भी मुझे अगर 4 पोथी पढ़ा दी होती तो मैं इन सब बेकार की बातों से बच जाता। तो अब क्या नहीं हो सकता है? अब भी तो तुम पढ़ सकते हो। अरे जब जागो जब ही सवेरा। देखो, मैं ये नहीं कहता कि उनसे काम मत कराओ, क्योंकि ये फैसला तो आप लोगों को करना है, भाई आप लोगों के बच्चे हैं। पर हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूं कि कोई भी फैसला करने से पहले जरा सोचो कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबूजी, आप बात तो बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन आज एक लड़के को रोज की मजूरी का 10 रुपया मिलता है और हमारे मालिक साहब कह रहे थे कि अगले 2-3 महीने में वो हमारे 5-10 रुपये और बढ़ा देंगे। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी बात ही बड़ी करता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो उसे 15 रुपये रोज देगा तो 1 महीने में कितने हुए, कुल 450 रुपये। अब ये बताओ कि तुमने 450 रुपये कमा कर अच्छा किया या उसकी पढ़ाई छुड़ा कर? हैं, जरा सोचो। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो जिंदगी भर अंगूठा छाप रहेगा और मजदूरी और धक्के खाने के सिवा उसे और कुछ नहीं मिलने वाला। जबकि अगर वो 450 रुपये आज खो भी दे तो पढ़ लिख कर बड़ा होकर वो 4500 रुपये कमा सकता है। जरा सोचो, तब उसकी जिंदगी एकदम अलग होगी। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ बाबूजी की बात ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं है तुम्हारा फैसला सुनने की। पहले सोचो, उसे महसूस करो, तब कोई फैसला करना। जब तक ये मैं
बाबूजी नमस्ते। अरे नमस्कार नमस्कार, और सब ठीक है ना? जी बाबूजी। बाबूजी हाँ, ये झोपड़ी हमने अपने पढ़ने के लिए बनाई थी, परंतु आपने इस पर आदर्श प्रौढ़ शिक्षा केंद्र का बोर्ड लगाकर हम पर बड़ा उपकार किया बाबूजी। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे हमारे इस आंदोलन में माता प्रसाद जी का सहयोग भी कुछ कम नहीं रहा। बाबूजी, ये तो हमारे गुरुजी हैं, लेकिन आप इस गांव में हमारे लिए गोविंद बनकर आए। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मेरी तो शुभकामना है कि इस बस्ती के लोगों में साक्षरता की नई चेतना आए, वे बेहतर जीवन जीने का अपना सपना साकार कर सकें, और उनकी भावी पीढ़ी विकास की दिशा में नित नई प्रगति की ओर अग्रसर होती रहे। पढ़ना लिखना सीख कर समझो सारी बात, 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 बिना समझ ही राजनम यूं ही बीता जात, बिना समझ ही राजनम यूं ही बीता जात, जब समझो तब ही भला जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात।